बनगांव में हमें लोगों ने बताया कि पिछले 135 सालों से हर 121 साल से, अच्छा हमारी जानकारी थोड़ी गलत थी, 131 सालों से यहाँ धर्म सभा लगती है हर रविवार को। क्या कहानी है उसके पीछे? उसका नाम है सर्वोपकारिणी सनातन धर्म सभा के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाबू बबुआ खां इस धर्म सभा के संस्थापक थे। उन्होंने यही धर्म की एक सभा आरंभ की थी जो आज तक अनवरत प्रत्येक रविवार को यहाँ चलता आ रहा है, जिसमें पुराण की कथा होती है, भजन कीर्तन होता है और निर्णय सब जो होता है धर्म का या किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस धर्म सभा के माध्यम से उसका निर्णय होता है यहाँ। कैसा धर्म का मुद्दा, जैसे अगर आप कोई उदाहरण दे सकें, कैसे धर्म के मसले कि कोई चीज़ धार्मिक है या नहीं है, या फिर धर्म से जुड़ी कोई हमारे दिमाग में क्वेरी आई है ना, दिमाग में कोई जिज्ञासा उठी, जिससे सवाल उठा, उसका निदान होता है? उस चीज़ का निदान होता है यहाँ। अच्छा। यदि किसी तरह का, जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक केस हुआ था यूपी में, यूपी हाई कोर्ट में केस आया था, उस केस का धर्म से ही उसका निर्णय देना था, तो हाई कोर्ट यूपी से लेटर आया था यहाँ, उसका निर्णय इसी धर्म सभा से दिया गया था लगभग 20 साल पूर्व। कौन सा केस था, कुछ बता पाए? हाँ, वो था जो कोई आदमी मर गया था, उसका संस्कार कैसे होता उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो जिसका पुत्र था उसका पिता कोर्ट में जाकर के केस कर दिया कि मेरा पुत्र का श्राद्ध कर्म सही हुआ कि नहीं हुआ, इसके चलते वो चला गया न्यायालय। न्यायालय को इसका कहाँ से ज्ञान होगा? वो हर जगह से, जितना संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ के विद्वानों से निर्णय लिया था। उसके बाद जब उनको पता चला कि बनगांव में धर्मसभा चलता है तो वहाँ से एक लेटर यहाँ भी आया था, उसी का निर्णय यहाँ से गया था यूपी हाईकोर्ट को। अच्छा, आप लोगों, आपका कहना है कि आप लोगों ने उस मामले में बताया कि ये निर्णय होना चाहिए? ना, उसके ग्रंथ के आधार पर हम लोग ने बताया। अच्छा, यहाँ उतना ग्रंथ रखा हुआ है, उतना पुराण रखा हुआ है, वो मौखिक ने न मांगा था कि इस पुराण के अंतर्गत ये आप निर्णय दिए हैं, उस ग्रंथ का क्या नाम है, उसका लेखक क्या है, कितना श्लोक नंबर है, पेज नंबर क्या है, सारा डिटेल लिखित लिया था। तो जब आपने ये बताया, ये वाला मामला हुआ और आपने बताया कि कोई विवाद होता है उस पे भी धार्मिक आधार पे या धार्मिक, 5 साल पूर्व छठ पर्व होता है ना, विश्वविद्यालय पंचांग मिथिला में चलता है, दरभंगा से प्रिंट होता है, उसमें छठ पर्व का निर्णय गलत प्रिंट कर दिया था। अच्छा। तो विश्वविद्यालय को लिखा गया था यहाँ से, तब वहाँ से VC, उसका विभागाध्यक्ष सब जो पत्रा निर्माण करता है, वो सब आया था यहाँ निर्णय के लिए। हाँ, उन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, गलती हो गया हम लोगों से। जन्माष्टमी किस दिन पड़ती है, किस दिन नहीं पड़ती है, साल का पर्व या इस तरीके का पर्व किस दिन पड़ता है, किस दिन नहीं पड़ता है, इस तरह के मामले। जब आप, हमें लोगों ने बताया कि आपके यहाँ जब कोई झगड़ा झंझट होता है ऐसे तो भी बड़े लोग बैठते हैं और ज्यादातर मामले ऐसे, यही स्थल है, यही इसी ख्याली डिसीजन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ। तो वो भी, वो क्या सामाजिक स्तर पर निर्णय होता है या वो भी धार्मिक विवेचना के आधार पर? बाबा को निर्णय सामने मतलब रख करके लिया जाता है। अच्छा, इन्हें साक्षी मानकर निर्णय लिया जाता है। तो मेरा ये सवाल था कि वो भी सामाजिक आधार पे होता है कि अच्छा तुमने ये किया, तुमने ये किया, अच्छा ये करके सुलह कर लो, ऐसे होता है, या फिर धार्मिक वो है, जगह है, स्थल है, तो धार्मिक आधार पर विवेचना करके भी झगड़े का निपटारा होता है? तो सिर्फ धर्म का निर्णय होता है यहाँ, समाज का निर्णय, यहाँ समाज का निर्णय होता है। अच्छा अच्छा, धर्म से जुड़ी जो कोई भी मामला है, बातचीत है, वह धर्म सभा में निर्णय होगा। आपसी जो द्वंद विभेद है, मतभेद है, उस सब निर्णय यहाँ होगा, ये इस इसके हाँ। नीचे यहाँ जो बाबा बताया आपने, हाँ। ये कौन है, ख्याली बाबा ही है? नहीं, ख्याली खां संत थे जो यहाँ रहते थे, उसी के समय में लक्ष्मीनाथ गोसाई यहाँ आए थे,
जिनके नाम पे ये पीछे मंदिर है? नहीं, मंदिर ही है, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ भी मंदिर है। और उनको चार शिष्य थे प्रमुख, जैसे मोहम्मदन में गोश खां भी इनका शिष्य थे, क्रिश्चन में मिस्टर जॉन साहब इनके शिष्य थे, राजा राम शास्त्री प्रयाग ब्राह्मण इनके शिष्य थे, और तरुणी रघुवर गोसे इनके शिष्य थे मधुबनी जिला, इनके चार प्रधान शिष्य थे। अच्छा, तो ये थोड़ा इंटरेस्ट है इस बारे में कि आप लोग बैठते हैं यहाँ, समाज जुटता है, आपस में जो भी मुद्दा होता है वो सुलह हो जाती है, उसमें महिलाएं भी होती हैं क्या, उनकी भी भागीदारी होती है, पुरुष पुरुष बैठ के फैसला करते हैं? नहीं, पुरुष में हो जाता है, महिला यहाँ इस गांव में उतना नहीं है, महिलाएं है नहीं, कम नहीं, है? नहीं, महिला मतलब हम लोगों के यहाँ पंचायत में जल्दी नहीं आता है, वो लोग हम लोग पुरुष में कर आवश्यकता पड़ने पर भी आता है। कैसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुछ बता सके? मान लीजिए हाँ, कोई विवाद हो गया, उसका जैसे साक्ष्य लेना है गवाही के लिए, या अगर वो एक पार्टी हो उस लड़ाई में, वो एक पार्टी, हाँ, तो अपना बयान देने के लिए आ जाए। लेकिन फैसले में आप लोग शामिल नहीं करते? ना, वो संतुष्ट हो जाता है। अच्छा। निर्णय से यहाँ संतुष्ट हो जाता है, इसलिए वो लोग भी वहाँ उसमें बैठबे नहीं करेगा, वो खुद से ही नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। हम होते गांव में और हम होते एक बुजुर्ग, तो हम पक्का कहते कि हम यहाँ बैठे। देखिए, ये ब्राह्मण का विशाल बस्ती है, हमारे समझ से भारत में इतना बड़ा बस्ती ब्राह्मण का कहीं नहीं है। ये तीन पंचायत का गांव है और चौथा पंचायत का फिर गया है लिख के, हो सकता है अगले साल अगला जो गत इलेक्शन होगा चौथा पंचायत ना बन जाइए।